हेलो बच्चा लोग, कैसे हो? सब ठीक ठाक? तो आज मैं आपको पढ़ाऊंगी सुपर से भी ऊपर का इजी ट्रिक टू फाइंड टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन एंड ऑब्वियसली स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल्स और आयन्स। जब आप किसी भी मॉलिक्यूल या आयन का हाइब्रिडाइजेशन जान लेते हैं तो उसका स्ट्रक्चर भी आप जान लेते हैं। ये आपको हाइब्रिडाइजेशन वाले वीडियो में बताया गया है। लिंक कहाँ मिलेगा? डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। जरूर देखें हाइब्रिडाइजेशन का वीडियो ताकि आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। यहाँ पे मैं आपको हाइब्रिडाइजेशन निकालना सिखाऊंगी बहुत इजी तरीके से। कैसे फटाक से निकाल के आप उसका स्ट्रक्चर डिफाइन कर सकते हैं वो बताया जाएगा आपको, ठीक है? तो आपको पूरी वीडियो देख लेनी है और एकदम ईजी ट्रिक से बिल्कुल भी उसका मिस नहीं करना है आपको, ठीक है? तो यहाँ देखिए, आपको सबसे पहले जानिए कि टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन SP होता है तो उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? लीनियर होता है। एग्जाम्पल मैंने दे रखा है, आप देखें BF2, MgCl2 ये सब लीनियर में आता है। SP2 होगा तो ट्राइगोनल प्लेनर होगा। SP3 हाइब्रिडाइजेशन से आप परिचित हैं, टेट्राहेड्रल होता है जिसमें मेथेन आता है आपका। SiCl4 आता है। SP3D होगा हाइब्रिडाइजेशन तो ट्राइगोनल बाई पिरामिडल होगा शेप, ट्राइंगल बना के उसको दो आप एक्सियली ये कर देते हैं, बना देते हैं। वो बनाया गया है आपको हाइब्रिडाइजेशन में स्ट्रक्चर, वहां से आप देखें, ठीक है? SP3D2 में ऑक्टाहेड्रल शेप हो जाता है। तो ये हो गया कि जो बच्चे नहीं जानते हैं उनके लिए मैंने यहाँ बताया कि चलिए ये अगर हाइब्रिडाइजेशन ऐसा ऐसा आप फाइंड आउट करेंगे तो ऐसा ऐसा स्ट्रक्चर होगा। अब हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए शॉर्ट ट्रिक है क्या? तो अगर मैं ट्रिक बता रही हूँ बच्चों, ट्रिक आप लोग को पसंद आ जाए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा बेल आइकन के साथ और लाइक कीजिएगा और शेयर कर लीजिएगा। तो देखिए ट्रिक क्या है, आपको ये मालूम है और मालूम होना चाहिए अगर नहीं मालूम है तो, कि हाइब्रिडाइजेशन जब कभी भी निकाला जाता है तो सेंट्रल एटम का ही निकाला जाता है। मॉलिक्यूल या आयन्स में जो सेंट्रल एटम होता है उसी का हाइब्रिडाइजेशन हम लोग निकालते हैं, ओके? तो चलिए हाइब्रिडाइजेशन ऑफ सेंट्रल एटम निकालते हैं फटाक से। तो देखिए यहाँ पे आपका फॉर्मूला है हाइब्रिडाइजेशन, यानी H से उसे रिप्रेजेंट करेंगे, ऑफ सेंट्रल एटम इक्वल्स टू हाफ ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस सेल ऑफ सेंट्रल एटम। सी है सेंट्रल एटम, सेंट्रल एटम का वैलेंस सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है उसका, प्लस नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम सराउंडेड द सेंट्रल एटम, ठीक है? मोनोवैलेंट यानी जिसका वैलेंसी एक होगा, मोनोवैलेंट एटम कितना सराउंडेड है अराउंड दी सेंट्रल एटम, ठीक है? और माइनस चार्ज ऑन कटायन प्लस चार्ज ऑन अनायन, ठीक है? तो आप देखिए फॉर एग्जांपल जैसे आप परिचित हैं CH4 का निकालते हैं, CH4 का तो हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन निकलेगा, सेंट्रल एटम कौन? कार्बन। तो हाइब्रिडाइजेशन निकालिए, हाइब्रिडाइजेशन इक्वल्स टू हाफ नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस सेल, कितना आपका कार्बन का 6 होता है 2 और 4, तो यहां कितना हो जाएगा 4, प्लस मोनोवैलेंट एटम कितना 4, माइनस चार्ज ऑन कटायन तो है नहीं तो 0, चार्ज ऑन अनायन है नहीं तो प्लस 0, यानी ओवरऑल कितना आया आपका हाफ इंटू 4, 4, 8, 2, 2 जा 4, तो 4 है। तो यहाँ पे जो आप देख रहे हैं 4, यानी कि इसमें 4 ऐसा ऑर्बिटल है जो मिक्स होगा हाइब्रिडाइजेशन में। अगर ये 4 आया तो 4 ऑर्बिटल मिक्स हो गया, यानी एस प्लस पी प्लस पी प्लस पी, यानी SP3, ठीक है? तो ये हुआ 4। अगर 5 आता तो एस प्लस पी प्लस पी प्लस पी प्लस डी। तो देखते हैं अब हम लोग एक बना लेते हैं, किसका? किसी भी कटायन का बनाइए, अनायन का बनाइए ताकि आपको पता चले, और देख लेते हैं एग्जाम्पल हम लोग। तो देखिए एक हम लोग बनाते हैं NH4+ का, ठीक है? तो ये फॉर्मूला आप देखिए सामने है आपके, इसके अकॉर्डिंग बनाएंगे। तो N इसमें है सेंट्रल एटम, तो हाइब्रिडाइजेशन ऑफ N निकालेंगे आप, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ N, ठीक है? सेंट्रल एटम है तो कुछ नहीं हाफ, ठीक है? वैलेंस सेल में इसके कितना इलेक्ट्रॉन होगा, तो नाइट्रोजन का होता है 7, अब जिसमें हो जाता है 2 और 5, तो यहाँ पे 5 हो गया आपका, है ना? उसके बाद आप प्लस का निशान देंगे, नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम सराउंडेड द सेंट्रल एटम, मोनोवैलेंट एटम है हाइड्रोजन तो कितना है उसका नंबर 4 है, 4 लिख दिया। उसके बाद देखिए माइनस चार्ज ऑन कटायन, तो चार्ज ऑन कटायन जितना है उसको माइनस कर दीजिए तो -1 हो जाएगा, और अनायन चूंकि ये है नहीं इसलिए ये 0 हो जाएगा, ठीक है? उसके बाद आपको इसको सॉल्व कर लेना है, देखिए हाफ तो कितना हो गया आपका 9 माइनस
वन इक्वल्स टू एट होगा, यानी कि वन बाई टू इंटू एट, टू टू जा फोर, तो फोर आ गया, तो फिर से आपका आ गया ना, देखिए फोर आया, यानी एस प्लस पी प्लस पी, एस से ही स्टार्ट होता है, जब भी हाइब्रिडाइजेशन में आप करेंगे एस के बाद पी, पी के बाद डी आएगा, तो एस पी थ्री हो गया, एस पी थ्री है, यानी ये टेट्राहेड्रल शेप का होगा, टेट्राहेड्रल होगा, ठीक है। तो ये इस तरीके से आप ट्रिकली निकाल सकते हैं। और देखिए किसी का निकालते हैं हम लोग, है ना, तो देखिए CO2 CO3 टू माइनस होता है ना आपका, CO3 टू माइनस, इसका निकालते हैं, तो इसमें आप क्या करेंगे, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन निकालेंगे, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन, ठीक है। तो निकालिए इसका, देखिए क्या हो जाएगा आपका, हाफ वैलेंस, कार्बन के वैलेंस सेल में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, तो आपका चार होता है, कार्बन का छह होता है ना, दो और चार, तो चार प्लस, अब देखिए नंबर ऑफ मोनोवेलेंट एटम सराउंडेड द सेंट्रल एटम, तो वो तो है नहीं, ऑक्सीजन डायवेलेंट होता है, मोनोवेलेंट नहीं होता, इसलिए आप यहाँ पे डालेंगे जीरो। उसके बाद आती है बारी नंबर ऑफ चार्ज ऑन कटायन, तो कटायन तो ये है नहीं, तो वो भी हो गया जीरो। उसके बाद आपका फॉर्मूला, देखिए आपके फॉर्मूला दिखाने के लिए मैंने ये किया है, देखिए यहाँ पे क्या है, माइनस चार्ज ऑन कटायन, फिर प्लस चार्ज ऑन अनायन, तो अनायन है ये, तो उसके ऊपर कितना चार्ज है, तो आपका प्लस टू हो गया, ठीक है। उसके बाद आप कर लें इसे, तो हाफ फोर प्लस टू यानी कि सिक्स हो जाएगा, तो कितना हो गया, हाफ इंटू सिक्स, तो टू थ्री जा सिक्स, यानी थ्री आपका आ रहा है, यानी इसमें क्या हो गया, एस प्लस पी, मतलब ये थ्री आया ना, तो थ्री एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स करना है, तो एस प्लस पी यानी एस पी टू, और एस पी टू जब होता है तो आपको क्या बताया गया है कि ट्राइगोनल प्लेनर शेप हो गया, ट्राइगोनल प्लेनर, क्लियर, कोई दिक्कत। उसी तरीके से आप किसी का भी आप निकाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। मान लीजिए वाटर का निकालिए, H2O फेमस है, H2O, तो इसमें तो आपको पता है कि ऑक्सीजन ही सेंट्रल एटम होगा, हाइड्रोजन कभी भी सेंट्रल नहीं होता है, तो ऑक्सीजन को सेंट्रल एटम, तो हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ऑक्सीजन आप निकालेंगे इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका, रुके मैं पेन चेंज करती हूँ, तो यहाँ देखिए हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ऑक्सीजन निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, हाफ, और सेंट्रल एटम का वैलेंस सेल में कितना इलेक्ट्रॉन, तो ऑक्सीजन का होता है आठ, और तो हो जाता है इसका एट होता है ना, तो एट से क्या हो जाएगा, टू और सिक्स, तो सिक्स हो गया, यहाँ पे सिक्स लिख देंगे आप, और प्लस मोनोवेलेंट एटम दो है, क्योंकि ऑक्सीजन के सराउंड में हाइड्रोजन है इसलिए दो, और उसके बाद कुछ भी नहीं है, कटायन अनायन ये है नहीं, तो कटायन अनायन के लिए जीरो जीरो, तो उसको सॉल्व करिए आप, हाफ इंटू एट, टू फोर जा एट, यानी हो गया एस प्लस पी प्लस पी प्लस पी, यानी ये देखिए ये चार आया, तो आपको ये चार कर देना है, तो एस पी थ्री, एस पी थ्री है, तो टेट्राहेड्रल बार बार बताने की जरूरत नहीं। एक हम लोग देख लेते हैं एस एफ सिक्स, एस एफ सिक्स का, तो एस एफ सिक्स है, तो एस सेंट्रल हो गया, तो हाइब्रिडाइजेशन ऑफ सल्फर निकाल लीजिए आप फटाक से, तो हाफ, देखिए कितना ईजी हो जाता है, हाफ सल्फर का आपका 16 होता है ना एटॉमिक नंबर, दो आठ छः, तो यहाँ पे छः हो जाएगा आपका, और प्लस देखिए ये एफ जो है वो मोनोवेलेंट है, यानी कि एक एक बॉन्ड बनाता है, एस के साथ एफ एफ ऐसे बॉन्ड बनाता है अलग अलग, तो एफ सिक्स है, यानी यहाँ पे जाएगा सिक्स, और उसके ना कटायन है ना अनायन है, इसलिए ये हो गया जीरो जीरो। तो अब आप इसे कर लें, इंटू सिक्स सिक्स ट्वेल्व हो गया, और टू सिक्स जा ट्वेल्व कट गया, तो सिक्स आया, देखिए ये बताने के पीछे रीजन क्या है, ये सिक्स आया ना, अब आप क्या करेंगे, तो एस प्लस पी ये चार हो गया, ये पांच हो गया, और डी छः हो गया, एक दो तीन चार पांच छः, ये छः है तो ये भी छः होगा, एस के बाद पी पहले आ जाएगा, पी का तीन होता है, डी में पांच होता है, तो जितना जरूरत है डी का उतना ही लेंगे, यानी यहाँ पे दो का ही जरूरत था, दो लिया हमने, तो बन गया हाइब्रिडाइजेशन एस पी थ्री डी टू, जिसका शेप कैसा होता है, ऑक्टाहेड्रल, ठीक है। तो आई होप कि आपने जो आपको ये ट्रिक सिखाया मैंने, आपके समझ में आ चुका है ट्रिक, बहुत इजी ट्रिक है, इससे इजी ट्रिक आपको मिल ही नहीं सकता है,
तो ट्रिक पे प्रैक्टिस कर लें और अपना 2 से 3 मार्क्स श्योर कर लें कि हाइब्रिडाइजेशन से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा तो आप उसमें कहीं भी फंसेंगे नहीं। टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन बताना आपके लिए सबसे आसान हो जाएगा और इसके बाद आप वेस्पर थ्योरी पढ़ेंगे मेरे साथ। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बेल आइकन के साथ ताकि आप मेरे साथ जुड़ सकें और समय से वीडियो आपको मिले और आप उसे देख सकें। तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।